नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। कानपुर रेल बाजार सीओडी पुल के नीचे पुलिस व गांजा तस्करों के बीच मुठभेड़, एक तस्कर को लगी गोली, एक साथी महिला तस्कर गिरफ्तार। पुलिस के अनुसार कुछ दिन पहले पकड़े गए गांजा तस्करों के है साथी। पुलिस ने बताया घायल तस्कर के पास से पिस्टल और बाइक बरामद। डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार ने बताया कि गांजा तस्कर 25,000 के इनामी, जो कि पुलिस मुठभेड़ में एक आरोपी के गोली लगी। पूरा बावला रेल बाजार थाना क्षेत्र का। आइए जानते हैं डीसीपी पूर्वी श्रवण कुमार ने क्या कहा। कैमरामैन बबिता वर्मा के साथ यूपी स्टेट सीनियर रिपोर्टर हामिद हुसैन की रिपोर्ट। बाइक पे ये जा रहे थे, सूचना मिली थी पुलिस को और ये लोग लगे हुए थे। पुलिस सर्विलांस टीम, रेल बाजार की टीम, हमारे एसीपी, सभी लोग। ये जो पूरा घटना है, ये जो एक्यूज है जिसको पुलिस से मुठभेड़ हुई है जी, इसका नाम है मितमन उर्फ राजू जी, वेस्ट चंपारण का रहने वाला है। और 5 अप्रैल को, जैसा कि आप जानते हैं, कि यहाँ पे एक जो शताब्दी ट्रेवल्स है उससे एक बैग में, अटैची में करीब 7 लाख का गांजा बरामद हुआ था। ये सूचना मिली थी पुलिस को, पुलिस टीम गई तो ये क्रिमिनल भाग गए थे, लेकिन उसमें मोबाइल और वो पूरा का पूरा गांजा बरामद हुआ था। तो उसकी लिखा पड़ी हुई, मुकदमा पंजीकृत हुआ और तभी से सर्विलांस की टीम और रेल बाजार पुलिस लगी हुई थी। इसके चक्कर में कई स्टेट में भी गए, फिर इनका मोमेंट हुआ दोबारा यहाँ पे चीज़ों को सप्लाई करने के लिए। उसी दौरान जो पुलिस की सूचना थी, ये लोग लगे हुए थे और जब रोकने का इंटरसेप्ट किया तो उन्होंने फायरिंग की, फिर जवाबी फायरिंग हुई, एक बदमाश को गोली लगी है। बाकी पुलिस कार्रवाई कर रही है। सर, महिला का भी कोई अपराधी? हाँ, ये जो है, ये मैं बताऊँ ना, एक रैकेट है, ये उड़ीसा से माल लाते हैं और ये पूरा का पूरा गांजा सप्लाई होता है। तो ये एक काफ़ी बड़ा रैकेट, अभी आपने देखा बीच में और दूसरे जोन में भी बरामद हुआ है, ये पूरा सप्लाई का रैकेट। तो ये महिला भी उसमें है और लड़का, ये जो एक्यूज है, ये भी उसी में है और ये पूरे के पूरे थे और उड़ीसा इनका टारगेट है, जहाँ से ये चीज़ों को उठाते हैं और फिर स्टेट में सप्लाई करते हैं। तो वेस्ट चंपारण के रहने वाले हैं, यूपी, बिहार और उड़ीसा, एक तरीके से इंटर स्टेट ये गैंग का हिस्सा है। ये जो एक्यूज है, इस पर 25,000 का रिवार्ड था और पुलिस ने इसकी अरेस्टिंग की है और मुठभेड़ हुई है। तो मेरे द्वारा 25,000 रुपये का रिवार्ड पहले से घोषित है, उनको मिलेगा और पुलिस के द्वारा अच्छा काम हुआ है। और जो सीपी सरकार निर्देश है, जो ऑपरेशन ट्रेनर और ऑपरेशन है आपका जो सुदर्शन, और आपने बीच में देखा होगा जाजमऊ में भी मुठभेड़ हुई, जो मादक द्रव्य पदार्थ है, चाहे जो नार्कोटिक से पदार्थ है जिसमें वो लोग सप्लाई कर रहे हैं, उस पर ये कार्रवाई हुई है। तो पुलिस कमिश्नर सर के निर्देश में, उनके गाइडेंस में और उनके द्वारा दिया गया है, क्रिमिनल पे बेसिक कार्रवाई हो रही है, जो ऑपरेशन सुदर्शन, ये जो मादक द्रव्य पदार्थ सप्लाई कर रहे हैं।